व्हाट्सएप गाइस, आप सभी का मेरे चैनल डिजाइन बोर्ड में स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं जो मुझसे बार बार पूछा जा रहा था, दैट इज कि लॉकडाउन हो रखा है, जिम्स क्लोज्ड हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो घर में ही रह के फिट कैसे रहें, अपने बॉडी का जो फैट परसेंटेज है उसको कैसे बढ़ने ना दें। तो इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करोगे तो आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज भी और कम होगा बल्कि, एंड आप फिट भी रहोगे घर में रह के ही। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये एक लाइफ चेंजिंग डाइट या फिर ईटिंग पैटर्न है जो आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे चेंजेस ला सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट जस्ट अ डाइट, ये एक लाइफस्टाइल है। इसे मैं पिछले 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ एंड इवन जब से लॉकडाउन हुआ है मेरे फैमिली मेम्बर्स भी इस डाइट को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप इस ईटिंग पैटर्न को फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे एंड आपका जो आपकी फैट लॉस जर्नी है उसमें भी ये डाइट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो बेसिकली इन दिस डाइट क्या होता है कि आपको 8 आवर्स जो है खाने को मिलता है एंड 16 आवर्स का आपका फास्ट होता है, like 24 आवर होते हैं एक डे में जिसमें आपके पास 8 आवर्स मिलते हैं कि आप उसमें कुछ भी खा सकते हो, आपका जो मन हो। एंड जो 16 आवर्स होता है उसमें आपको फास्ट रखना होता है, आपको उसमें कुछ भी नहीं खाना होता, आप सिर्फ उसमें पानी पी सकते हो या फिर ब्लैक कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी। लेकिन ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी में एक चीज़ याद रखना, आप शुगर एंड हनी कुछ भी नहीं ऐड कर सकते। मतलब आपको अपनी बॉडी में कार्ब्स या फिर प्रोटीन या फिर फैट्स कुछ भी नहीं देना, आपको अपनी बॉडी को कैलोरीज नहीं देनी है। इससे ये होगा कि जो 16 आवर्स का आपका जो फास्ट होता है उसमें आपकी बॉडी को कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी। तो क्या होगा, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी तो वो आपकी बॉडी में जो फैट पहले से है वो उसको बर्न करेगा एंड उसको एनर्जी की तरह यूज़ करेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं रात को 8 बजे समथिंग खाना खा लेता हूँ, मेरा डिनर हो जाता है 8 बजे। उसके बाद 16 आवर्स का फास्ट मतलब मैं उसके बाद दोपहर का सीधा लंच करता हूँ एंड कुछ भी नहीं खाता उसके बीच में। देखो हमने 16 आवर्स वैसे ही नहीं खाया एंड हमारे पास 8 आवर्स होते हैं खाने के लिए। उसमें भी बात ये हो जाती है कि आप 8 आवर्स में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा पाओगे। लाइक मैं एक दिन में 2 मील से ज़्यादा नहीं ले पाता हूँ, जिससे क्या होता है कि ऑटोमेटिक मेरा खाना कम होता है एंड मैं कैलोरिक डेफिसिट में चला जाता हूँ। कैलोरिक डेफिसिट मतलब आपकी बॉडी को जितनी कैलोरी चाहिए है उससे कम मुझे मिलती है तो मेरी बॉडी का फैट परसेंटेज नहीं बढ़ता है। Guys, this is Tiger Bomb. Basic thing is calorie deficit होना चाहिए. And I think you're gonna want to be in a caloric deficit. उसके लिए आपको calorie deficit में जाना पड़ेगा. लोगों ने deficit create करा. If you want कि मैं एक पूरी detailed video बनाऊँ about intermittent fasting, तो comment section में बता देना, video जल्दी आ जाएगी. फिलहाल मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छी videos जो intermittent fasting की हैं YouTube पे, उनको link कर दूँगा, उनको जाके देख सकते हो. सेकेंड टाइप है मूव योर बॉडी। देखो आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है तो आपको अपनी बॉडी को डेली मूव करते रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहनी पड़ेगी। वो आपका मन है, आप चाहे जो करना चाहो, आपको जो अच्छा लगता हो, चाहे वो वर्कआउट्स हो, होम वर्कआउट्स करो, फ्री बॉडी वेट वाले कार्डियो करो, रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग कुछ भी करो, या फिर डांस, जुम्बा, इस टाइप की चीज़ें करो जो आपको पसंद है। एंड एक और चीज़ कर सकते हो, दैट इज़ मम्मी की हेल्प करो घर पे। कैसे, घर के कुछ कुछ काम करवाओ लाइक झाड़ू पोछा वगैरह, इसमें भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं आपकी, जिससे कि आपका बॉडी का वेट नहीं बढ़ेगा। देखो एक तीर से 2 निशाने वाली बात है, क्या होगा, पहला तो मम्मी खुश रहेंगी, घर वाले खुश रहेंगे कि घर के काम करवा रहे हो एंड साथ ही साथ आपका वर्कआउट भी हो जाएगा इसी चीज़ के बीच में। अगर मुझसे पूछोगे कि मैं क्या करता हूँ, तो सुबह मैं मम्मी की हेल्प करवाता हूँ, जो घर के काम है वो करो एंड शाम को क्या करना है, शाम को आपको कुछ वर्कआउट करना है। अगर वर्कआउट नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अभी बता रहा हूँ कुछ, इसको एक बार ट्राई करके देखो, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 बेसिक एक्सरसाइज हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं आपको वो 3 एक्सरसाइज करनी है। कौन कौन सी, पुलअप्स, पुशअप्स एंड स्क्वाट्स। नहीं होते, हो जाएंगे धीरे धीरे करके, बनने लगेगा। YouTube में कई सारी वीडियोस हैं कि कैसे करना है तो जाके देख सकते हो। मेरी भी वीडियो है हाउ टू डू स्क्वाट्स एंड हाउ टू डू पुशअप्स पे, तो जाके देख सकते हो। क्या करना है, 5 पुलअप्स करने हैं, 10 पुशअप्स करने हैं एंड 15 स्क्वाट्स करने हैं। कितना, 5, 10 एंड 15। इस चीज़ को करो कंटिन्यूसली, लाइक 5 पुलअप्स किए तुरंत, उसके बाद 10 पुशअप्स किए, देन 10 स्क्वाट्स किए। उसके बाद आपको रेस्ट लेना है, लाइक 45 सेकेंड का कुछ रेस्ट लो, 30 to 45 seconds, आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है आपको कितना रेस्ट लेना है। एंड इस चीज़ को कंटिन्यू करो लाइक 8 to 10 सेट्स तक,
लाइक ये एक सेट हुआ, ऐसे कर करके 5 से 10 सेट करो या फिर 8 से 10 सेट करो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर लग रहा है कि लाइक सिर्फ 3 एक्सरसाइज एंड 5 बार 10 बार 15 बार करना है, करके देखो, रात को खुद पता चल जाएगा कि लाइक कुछ किया है आज। एक और बात, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था सब लोग मास्टर शेफ बने फिर रहे थे, डेली कुछ ना कुछ बना रहे हैं घर में, तो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खा लिया। ठीक है, अब अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम दो, अच्छा खाना खा लो, थोड़ा सा हेल्दी रह लो। सो प्लीज़ ट्राई करो कि घर में भी हो तो अच्छा खाना बना के खाओ। वंस अ वीक के लिए मैं मना नहीं करता हूँ, हफ्ते में 1 से 2 बार तो मैं भी खाता हूँ यार, तो खा सकते हो, बट उससे ज़्यादा नहीं। अगर फिट रहने की बात हो रही है तो इस पॉइंट को मिस नहीं कर सकते, दैट इज रेस्ट या फिर स्लीप। देखो, लॉकडाउन है, इसका ये मतलब नहीं है कि 12-14 घंटे सोना है। अपनी बॉडी को उतनी स्लीप दो जितनी उसको ज़रूरी है, ना ही कम ना ही ज़्यादा। मेरे अकॉर्डिंग 6 to 9 hours काफ़ी है, मिनिमम 6 घंटे की नींद एंड मैक्सिमम 9 hours। ये नहीं है कि लॉकडाउन में तो 12-12 घंटे सो रहे हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं सो रहे हैं। तो अपनी बॉडी को रेस्ट भी दो साथ ही साथ, अगर आपको फिट रहना है तो। फिफ्थ है, अगर आप इंटरमीडियंट फास्टिंग करते हो तो जो आपकी 8 hours की विंडो है उसमें मैंने बोला है कुछ भी खाना, इसका मतलब ये नहीं है कि अनहेल्दी खाना खाओ। ट्राई करो कि उसमें भी आप हेल्दी चीज़ें खाओ, जो न्यूट्रिशियस फूड्स हैं वही खाओ, हाई प्रोटीन मील्स लो जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी हो। अपनी डाइट में क्या क्या आपको इंक्लूड करना है, जाके गूगल में सर्च कर लो, हाई प्रोटीन फूड्स खुद ही आ जाएंगे, लाइक पल्स, स्प्राउट्स या फिर एग्स, पनीर, होल व्हीट, कुछ भी जिसमें अच्छा खासा प्रोटीन होता है उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर दो, जो आपकी 8 hours की खाने की विंडो होगी उसमें। एंड फाइनल टिप है, अपने लंच के पहले सैलड या फिर स्प्राउट्स या फिर फ्रूट्स खाओ, जिससे कि आप खाना कम खाओगे। अगर आप मुझसे पूछोगे मैं क्या करता हूँ, तो मैं रात को 8 बजे खाता हूँ, देन जब दोपहर में लंच करना होता है उसके आधे घंटे पहले मैं स्प्राउट्स खा लेता हूँ एंड थोड़ा बहुत दूध पी लेता हूँ, जिससे कि मैं खाना कम खाता हूँ। एंड वन मोर थिंग, पानी ज़्यादा पियो, पानी बहुत पीना होगा आपको। जो आपकी 16 hours की साइकिल रहेगी उसमें भी आपको, आप जितना पानी पी सकते हो उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो यार जितने पॉइंट्स बताए हैं एक बार सबको फॉलो करो, आपको 30 से 40 days में खुद ही अपनी बॉडी में डिफरेंस दिखने लगेगा। सो एक बार इन सबको फॉलो करके देखो एंड इंटरमीडियंट फास्टिंग ज़रूर ट्राई करना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, ताकि मुझे पता चले आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, मैं इस चैनल में जो है फैशन, फिटनेस, ग्रूमिंग एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ आप सबके लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, पीस, नमस्ते।